स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिस क्रापर क्लास इन टूडे क्लास वी विल रीड द चैप्टर नंबर नाइनटीन सिम्पल फ्यूचर टेंस इस चैप्टर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में रीड करेंगे और इसमें सिंपल ये टॉक किया जाता है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो भी वर्क है वो फ्यूचर में होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली द बस विल हैव अमृतसर एट फोर ओ क्लॉक सॉरी लीव है ये विल लीव अमृतसर एट फोर ओ क्लाक तो बस जो है वो फोर ओ क्लाक लीव करेगी अमृतसर से बस देजिट द म्यूजियम ऑन संडे और वो म्यूजियम जो आ, विजिट करेंगे वो संडे को करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है विल विल विजिट आई विल ओपन द डोर मैं

बोल्ड वर्ड जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं क्योंकि इसमें विल लगा है और वर्क की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू टॉक प्लेस इन द फ्यूचर मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा अभी हुआ नहीं है ठीक है मतलब जो भी वर्क है वो फ्यूचर में होगा उसके बारे में बातचीत की जाती है सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ विल विद रूट वर्ब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हम विल के साथ जो रूट फॉर्म इस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको रूट फॉर्म बोलते हैं तो उसके साथ हम विल के साथ इसको यूज करते हैं वी वी ऑलवेज यूज विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसमें क्या है हमेशा विल के साथ जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन यानि जो फ्यूचर में एक्शन होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं नंबर वन यू विल कम टमारो तुम कल आओगे आई विल टीच यू मैथ मैं तुम्हें मैथ पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा अर्चना विल ब्रिंग अ न्यू ड्रेस अर्चना जो है वो नई ड्रेस लेकर ले आएगी दे सेलिब्रेट रोहन बर्थडे वो रोहन का बर्थडे मनाएंगे ईट दार मतलब, जो है वो खाएगी तो so, ये था बच्चों यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर टेंस को बताया है तो आपने क्या है सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो विल है फ्यूचर के लिए विल आएगा फ्यूचर टेंस के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ठीक है और फ्यूचर में होने वाले एक्शन के बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है इसे बताया जाता है इसके अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो उस एक्शन को कर रहा होता है उसके साथ हम विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं जो भी फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है तो सब्जेक्ट होगा आपका जो एक्शन करने वाला है और विल प्लस रूट फॉर्म जो विल प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म की जो वर्ब होती है उसके साथ हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर तो टेंस को एक्सप्रेस करेंगे एक्सरसाइज नंबर वन है पुट टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द अगेंस्ट द इन करेक्ट सेंटेंस आई विल गो टू द मार्केट देखो विल गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मैं मार्केट जाऊंगा इट इज करेक्ट दे विल फ्लू अवे दे फ्लू फ्लू में देखिए ये फ्लू जो फ्लाई फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर ये विल के साथ वर्ब के रूट फॉर्म की बात हो रही है तो ये क्रॉस हो गया आपको सिर्फ वर्ब से पहचानना है वी विल प्ले बैडमिंटन यस इट इज करेक्ट हम बैडमिंटन विल प्ले है यहाँ पे आपको ये ध्यान दे, देना है ठीक है इसके सेंस में नहीं जाना आपने द बेबी विल स्लीप्स अब देखियो एस ई एस का यूज नहीं होगा इसमें तो हम क्या है यहाँ पे ये यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा द चिल्ड्रन विल आंसर्ड द क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो आंसर ई टी नहीं आएगा क्रॉस राम विल गैदर सम लीव्स फॉर द प्रोजेक्ट विल गैदर करेक्ट है ये आई विल विजिट विल विजिट माई ग्रांड पेरेंट्स सुन मैं जल्दी ही अपने ग्रांड पेरेंट्स से मिलूंगा तो विल विजिट इट इज करेक्ट ठीक है द टीचर विल टेल द स्टोरी टू एवरी वन टीचर जो हैं सभी को स्टोरी सुनाएंगे विल टेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर यह भी करेक्ट हो गया अब आता है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर टू है वर्ब है यहाँ वर्ड्स हैं इनको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है विल के साथ लिखना है ठीक है तो इसको ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है रोहन विल रिटर्न माई बुक टमारो आपको क्या है जब करना होता है तो आपने इसमें सेंस देखना होता है कि जैसे दे डैश द मीटिंग तो मीटिंग को क्या किया जाएगा अटेंड किया जाएगा आई डैश टेबल टेनिस विद वासु तो टेबल टेनिस वासु के साथ क्या करेंगे प्ले करेंगे हर्षित ऑफ द बायसाइकिल इफ़ ही इज नॉट केयरफुल ऑफ बाइसल तो बायसाइकिल से क्या करे हो जाएगा अगर वो केयरफुली नहीं चलाएगा तो क्या होगा गिर जाएगा फॉल ट्रेन टू कम अब ट्रेन का करने आ, ट्रेन का आने का आप क्या करेंगे वेट वर्ड तो को उसी हिसाब से इसमें इसको ढूंढना है द पियन डैश द बेल एट सेवन ए एम तो सेवन ए एम क्या करेगा पियन रिंग करेगा आई होप यू डैश द मूवी मूवी को क्या करते हैं वॉच करेंगे जब वॉच नहीं है इसके अंदर तो इंजॉय था तो इंजॉय ही करेंगे मूवी को वॉच किया जाता है या तो enjoy किया जाता है द government डैश द रोड्स बिफोर द ट्रेन अब गवर्नमेंट क्या करेगी रोड का बिफोर द तो रेन यानी बारिश से पहले क्या करेगी वो उसको रिपेयर करेगी आर पेरेंट्स डैश अस टू zoo और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें में क्या ले जाएंगे विल टेक लेके जाएंगे द डॉक्टर डैश पीपुल डॉक्टर क्या करता है जो लोग बीमार होते हैं ट्रीट करता है तो ये मैंने आपको ये बताया कि आप इसमें से वर्ड कैसे पता लगाएंगे तो और दूसरा आपको इसको करना है जैसे हमने वर्ड का पता तो लगा लिया उसके साथ विल लगाएंगे दे विल अटेंड द मीटिंग आई विल प्ले टेबल टेनिस विद वॉसू हर्षित बायसाइकिल इफ ही इज नॉट केयरफुल हर्षित जो है बाईसाइकिल से गिर जाएगा अगर वो केयरफुल नहीं होगा वी विल वेट फॉर द ट्रेन टू कम दियन विल रिंग द बेल एट सेवन ई एम आई होप यू विल इंजॉय द मूवी द गवर्नमेंट विल रिपेयर द रोड बिफोर द रेंस आर पेरेंट विल टेक अस टू डू द डॉक्टर विल ट्रीट पीपल हु आर सिक तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड हमने उसमें से पता लगाए हैं उनके साथ हमने विल लगाना है ठीक है सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क एंड रीड दिस चैप्टर ऑल्सो थैंक यू